चलेगा लोकार्पण और शिलान्यास का दौर। बीजेपी पूरब से पश्चिम तक बनाएगी चुनावी माहौल। तालिबान फिर से लागू कर रहा दमनदारी का कानून। पुरुषों को टोपी लगाने और मस्जिद जाने के दिए आदेश। कारगिल में पाकिस्तान पर जीत के 22 साल पूरे। द्रास में शहीदों को श्रद्धांजलि देंगे राष्ट्रपति कोविंद। हनुमान मंदिर तोड़ने पहुंची वीडीए टीम। विरोध के चलते बेरंग लौटी, लोगों ने की जमकर नारेबाजी। पीएम नरेंद्र मोदी के ट्वीट से जगी आस। भागलपुर, मुजफ्फरपुर और चंपारण के लोगों ने भी की एयरपोर्ट की मांग। 6 हवाला कारोबारियों की मदद से आतंकियों तक पहुंची थी रकम। एटीएस की जांच में बड़ा खुलासा। दिल्ली मेरठ और गंगा एक्सप्रेसवे को जल्द आपस में जोड़ेगा 8 लेन का लिंक रोड। जल्द शुरू होगा निर्माण। काशी विश्वनाथ मंदिर तक गाड़ी लेकर पहुंचे बीजेपी नेता। कमिश्नर ने लगाई फटकार। पाकिस्तान में विधानसभा चुनाव के दौरान गड़बड़ी का आरोप। हिंसा में हुई 2 लोगों की मौत। इसी तरह बढ़ते रहे कोरोना के मामले तो अस्पतालों में नहीं बचेगी जगह। बांग्लादेश सरकार ने जताई चिंता।